भारत के महावीर योद्धा आला उदल की वीर गाथा के एपिसोड 79 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए श्रोताओं, आपका ध्यान उसी प्रसंग से जोड़ रहा हूं जहां नरवरगढ़ का राजकुमार मकरंद युद्ध भूमि में समस्त महोबा के वीर योद्धाओं को बंदी बना लेता है। सभी वीर बंदी बन गए। ताला सैयद, मलखान, लाखन और जो दिल्ली से ताहर, चौड़िया राय और संयमनी राय जैसे वीर आए थे, सबको मकरंद ने बंदी बना करके दाहक नामक खंदक में डलवा दिया और ढेवा प्राण बचा करके वहां से भागने लगा। ढेवा भाग करके महाराजा, जिस समय मांडलिक राजा थे, ढेवा वहां से दौड़ करके मांडलिक राजा आला के पास आए और आला से कहने लगे कि हे महाराज, सब कुछ समाप्त हो गया। आला बोले, क्या हुआ? दे ढेवा पहुंचा फिर तंबू में, जहां पर रहे बनाफर राय आला ठाकुर के सन्मुख में, ढेवा यथा तथ्य रह गए। जो वास्तविक रणभूमि का वर्णन था कि मकरंद ने सभी महोबा के वीरों को बंदी बना लिया है। सुन के बातें ये ढेवा की, आला गए सना का खाए। ये बात सुनकर के ढेवा की, आला सना का खा जाते हैं, होश भूल जाते हैं और क्रोध करके उदल से कहने लगे, डांट के बोले, नर उदलते तुम सुन ले लोहरवा भाई, नाश करायो तुम नरवर में हमरे गई प्राण पर आए। कि हे उदल, तुमने नरवरगढ़ में महोबा के वीरों का सत्यानाश करवा दिया, अब हमारे प्राणों पर आ गई, अब बताओ हम क्या करें? जो व्यवहारी हमरे आए, सबको परे कैद में जाए, भयो हसावा नरवरगढ़ में, महोबे कहा बतायो जाए। कि हमारे जितने नौतारी व्यवहारी निमंत्रण से आए थे, सभी राजा महाराजाओं को नरवरगढ़ में मकरंद ने कैद कर लिया और खंदक में डलवा दिया, क्या महोबे में जाकर के मैं यही कहूंगा? अब बताओ क्या करूं? वीर मलखान, लाखन, ताला सैयद जैसे वीर योद्धा बंदी गृह में डाल दिए गए, तो उदल अब बताइए। इतना सुनके उदल बोले, दादा कहां गयो घबराए, का हकीकत मकरंदा की, सबकी कैद दऊ छुड़वाए। उदल कहने लगे, हे दादा, हे भाई, तुम क्यों घबरा गए? घबराने की बात नहीं है, मैं जा रहा हूं, मेरे युद्ध कौशल से, मेरी भुजाओं की शक्ति से जितने भी बंदी वीर योद्धा मकरंद की कैद में हैं, उन सभी को आज छुड़ा दूंगा। माथ नवायो फिर आला को बैंदुल ऊपर भयो सवार, सुमरन करके जगदम्बा को अपनी ढाल लई तलवार। श्रोताओं, फिर सेना को आदेश दिया। राजा जो युद्ध करते थे, एक रणनीति होती थी, सेना को 4 से 5 भागों में विभक्त करते थे और जो शेष बची हुई सेना थी उसमें से एक टुकड़ी सेना की 50,000 सैनिकों को साथ में लेकर के वीर उदल तैयार होता है और रणभूमि के लिए चल देता है अपनी ढाल तलवार लेकर के। उदल पहुंचे फिर मोर्चा पर, लंबी हाँक दीन ललकार, आवो आवो मकरंद ठाकुर, हमरे साथ करो तलवार। उदल अपनी सेना को लेकर के युद्ध भूमि में पहुंच जाते हैं और वहां मकरंद को देख करके लंबी ललकार लगाई कि हे मकरंद, आज आजा मेरे सामने रणभूमि में, मुझसे भी तो दो दो हाथ करके देख, कौन जीतता है कौन हारता है। इतना सुन के मकरंद लौटा, सेना लौट परी तत्काल, मारन लागो सरदारन को रण में देश राज को लाल। और जब मकरंद ने, क्योंकि वह लौट करके जा रहा था नरवरगढ़ को, और जब उसकी लंबी ललकार सुनी वीर उदल की, तो अपनी सेना को लेकर के घमंड में चूर योद्धा मकरंद वापस लौटा। और जब वीर उदल ने यह देखा तो उसके सेनापतियों का संहार करने लगा, उसके सरदारों को उदल मारने लगा। जौने होदा उदल ताके बैंदुल तहां पहुंच गए जाए,
उदल मारे तलवारी सो बैंदल ताप हने कर घाय। उदल जो भी होदा वाले वीर योद्धा थे उन सबको रणभूमि में सुला देता है। 21 हाथी अश्वारण को उदल दीनों तुरंत सुलाए। उदल ठाकुर के मोर्चा पर कोई राजपूत न रोक पाए। उदल रणभूमि में विचरण कर रहा है और इस तरीके से विचर गया कि कोई भी राजपूत नरवरगढ़ का उदल के मोहरा पर रुक नहीं पा रहा है। दौड़ जाते हैं, भाग जाते हैं रणभूमि से पीठ दिखा करके सामने, ऐसे मानो स्वयं काल रणभूमि में युद्ध कर रहे हैं। देखिए श्रोताओं, ये गत देखी मकरंदा ने। हिरिया मालिन लई बुलाए। हिरिया जो मालिनी थी वो जादू में निपुण थी। हिरिया मालिन को बुलाया और हिरिया से कहा कि जादू डारो बंगाले को इनकी कैद देव करवाए। हिरिया मालिन से मकरंद बोला कि इस पर भी जादू चलाओ। हिरिया कहने लगी, क्योंकि हिरिया उदल से पहले मिल चुकी थी इसलिए जादू चलाना नहीं चाहती थी। श्रोताओं, मकरंद ठाकुर से हिरिया बोली कि महाराज, मेरा जादू इस राजकुमार पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है। मकरंद ठाकुर तेई समिया में तुरतई बांध लीन ता आन। देखिए मकरंद ठाकुर ने जो हिरिया मालिन थी उससे कहा कि जादू चलाओ। उसने जादू नहीं चलाया तो अपनी ढाल तलवार, अजीता बाण, काठक घोड़ा और शैल शनिचर को लेकर के आगे बढ़ा और वीर उदल को ललकारा। वीर उदल से कहने लगे कि वीर उदल, अब तुम जीवित नहीं लौटोगे, आज के युद्ध में मेरे हाथों से मारे जाओगे। उदल ने क्रोध किया और क्रोध करके अपना तेग का प्रहार मकरंद पर किया और मकरंद जिस हौदे पर बैठा हुआ था उस हौदे के रस्सा कट गए और मकरंद का हौदा जमीन पर आकर के गिरा। उदल रस बैंदुल से कूद पड़ा और मकरंद को जाकर के पकड़ लिया। भुजा पकड़ ली मकरंदा की, एकदम ऊपर लियो उठाए। मकरंद को भुजा पकड़ करके ऊपर आसमान में उठा ले गया और जमीन पर पटका तो मकरंद होश भूल जाता है। मकरंद मन में विचार करने लगा कि ये उदल है और इसे इस तरीके से रोक पाना मेरे बस का काम नहीं है। और अपनी ढाल तलवारों को मकरंद जब तक संभालता तब तक तो वीर उदल ने उसके सर को धड़ से अलग कर दिया, काट डाला मकरंद को। परंतु भगवान शिव ने वरदान दिया था, भगवान शिव के अनुसार जो वरदान था उसके अनुसार भगवान शिव ने मकरंद को पुनः अमृत से संचित कर दिया और उसका कटा हुआ मस्तक वापस जुड़ गया। और जब उदल ने यह देखा कि मकरंद का मस्तक कटने के बाद जुड़ गया है तो उदल घबरा गया। उदल देख रहा है कि यह क्या हो गया, मैंने तो इसको मार डाला था। उदल ने पुनः तेग उठाई, बड़े क्रोध से आगे बढ़ा और फिर मकरंद पर प्रहार किए। मकरंद जब तक संभल पाता तब तक फिर उसके शीश को काट डाला और फिर भगवान शिव ने शीश को जोड़ दिया। जैसे जैसे उदल मकरंद के शीश को काटते भगवान शिव जोड़ते चले जा रहे हैं। युद्ध करते करते वीर उदल की भुजाएं थक गई। वीर उदल मन में विचार करने लगा कि इसी शक्ति के कारण इस मकरंद ने समस्त वीरों को बंदी बना लिया है। अब देखिए मकरंद विचार करके सोचने लगा कि अब मुझे मकरंद के टुकड़े टुकड़े कई टुकड़े करने होंगे। ऐसा सोच करके आगे बढ़ा और तब तक शैल शनिचर का प्रहार मकरंद ने, जो जादुई था, वीर उदल पर किया। उदल को थोड़ी देर के लिए कुछ नशा आया, चक्कर से आई और उदल झकझोरा खाने लगा। मौके का फायदा उठाया मकरंद ने, अजीता बाण उठाया जो भगवान शिव का दिया हुआ था और अजीता बाण का प्रहार उदल पर किया और वो बाण उदल की छाती को बेध करके पार हो गया। और जैसे ही बाण उदल को लगा, बाण पार हुआ, उदल मूर्छा खाकर के जमीन पर गिर पड़ा। उदल का बक्षस्थल छेद दिया
उदल आहा करते हुए जमीन पर गिर जाता है। उदल उस बाढ़ को खींचने लगा, बाढ़ को तो निकाल दिया, लेकिन तब तक मकरंद के वीर सैनिकों ने और मकरंद ने उदल को बंदी बना लिया। देखिए श्रोताओं, यहां उदल भी बंदी बन जाते हैं। उदल को बंदी बना लिया, जकड़ लिया रस्साओं से। उदल को रस्साओं से जकड़ करके अब तो वीर नरवरगढ़ के राजकुमार मकरंद का हौसला बुलंद हो जाता है और मकरंद ठाकुर ते समय में उदल तुरंत बांध लियो आए, उदल को बांध लिया, रस्से में कस लिया। इधर ढेवा ने देखा कि वीर उदल तो बंदी बन गया, उदल को छुड़ाने के लिए अब मुझे मंडलीक आला के पास चलना चाहिए। नहीं, जब इसके मोर्चा पर कोई भी राजपूत योद्धा मलखान उदल जैसे वीर बंदी बना लिए गए, ब्रह्माजीत जैसे योद्धा बंदी बन गए, तो इसके सामने युद्ध करना इतना आसान नहीं है। मुझे यहां से रणभूमि छोड़ करके ये सूचना तुरंत मंडलीक आला को देनी चाहिए। ऐसा सोच करके वहां से दौड़ता है ढेबा और आला के पास आया। मात नवाए और सो आला को अपनी लई ढाल तलवार आकर के आला से कहने लगा कि हे मंडलीक वीर योद्धा, क्या बताऊं, वीर उदल को भी मकरंद ने बंदी बना लिया। गयो हरकारा तब आला ढिंग और रणहाल कयो समझाए। आला बोले, तब ढेबाते अपना घोड़ा करो तैयार, तुरत ही जाओ गढ़ मोवे को, इंदल सुत को ले बुलाए कि मेरा पुत्र इंदल, जिस समय इंदल की आयु 11-12 वर्ष की हो गई थी, 10-11 वर्ष की हो गई थी, योद्धा था, बलवान था, राजाओं के पुत्र, 11-12 वर्ष के तलवार में सभी विद्याओं में निपुण हो जाते थे, तुम जाओ इंदल को लेकर के आओ, क्योंकि मैं अकेला युद्ध नहीं कर सकता। और एक बात आपको और भी बताना चाहूंगा कि आला हथियार नहीं उठाते थे, माता भवानी ने उनको यह वरदान भी दे दिया था कि आला तुम्हारी अक्षय तेग है, तुम जिस पर इसका प्रहार करोगे वो जीवित नहीं बचेगा, और तुम्हें मैं एक वरदान साथ साथ श्राप भी देती हूं कि तुम जिस पर इस अक्षय तेग का प्रहार करोगे और तुम इस तेग को उठाओगे तो 12 साल तक तुम्हारे इस संपूर्ण राज्य में अकाल पड़ जाएगा। तो आला तलवार उठाना नहीं चाहते थे, बचना चाहते थे तलवार से, इसलिए ढेबा से कहा कि ढेबा तुम अब महोबा चले जाओ और महोबा में जाकर के मेरे पुत्र इंदल को लेकर के आना, संपूर्ण हाल समझा करके शीघ्रता पूर्वक जल्दी से आ जाना। देखिए श्रोताओं, यहां से आगे का वर्णन मैं आपको अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।